तो फाइनली दोस्तों यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम का एडमिट कार्ड यहां पर रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस प्रकार आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि किस प्रकार आपका यूपी पुलिस एसआई का ऑनलाइन एग्जाम होगा, कैसे कैसे सारा प्रोसीडर आपको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही सटीक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहां पर आने के बाद हमें कुछ विज्ञप्ति और नोटिस और लिंक वगैरह प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर का ये नोटिफिकेशन और जो लिंक है वो जारी किए गए हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले भर्ती बोर्ड की तरफ से भी बताया गया था पिछले नोटिस में कि यहां पर एग्जाम से 10 दिन पहले एक सूचना प्रदर्शित कर दी जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को यह बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए, उसके लिए विज्ञप्ति तो आ चुकी है, लेकिन जो इसके अंदर पीडीएफ या फिर लिंक होना चाहिए वो अभी डाउनलोड करने के लिए इंटर नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको यहां पर पीडीएफ इसके अंदर मिल जाए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ आपका जो पीडीएफ वगैरह है पूरा डाउनलोड हो जाएगा, पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के रिगार्डिंग। इसके बाद देखिए, नीचे आने पर हमें यहां पर 2 चीजें दिखने को मिल रही हैं। एक है ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रैक्टिस या अभ्यास हेतु लिंक, दूसरा है फेज वाइज लिखित परीक्षा के लिए शहरवार दिनांक की जानकारी हेतु लिंक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और यह पता करना है कि आपका एग्जाम किस शहर में होगा और किस तारीख को होगा। तो उसके लिए देखिए, आपको करना क्या है कि आपको यहां पर सेकंड जो ऑप्शन है फेज वाइज लिखित परीक्षा के लिए शहरवार दिनांक की जानकारी हेतु लिंक, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां फिल कर देना है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहां पर फिल कर देना है नीचे। अब देखिए, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करना है नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में फिल करना है। यानी कि अगर किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/06 ठीक है और सन 2000, अगर इस प्रकार का कोई डेट ऑफ बर्थ है तो उसे ऐसे फिल करना होगा 05/06 और सन 2000, इस प्रकार का पूरा जो फॉर्मेट है यहां पर डेट ऑफ बर्थ की जगह पर फिल करना होगा। ये सब करने के बाद आपको करना क्या है कि यहां पर सबमिट जो लिखा हुआ है जमा करें, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपके पास यहां पर देखिए भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराया गया है। आपको करना क्या है कि इस ईमेल आईडी पर जो आपका भरा हुआ फॉर्म का प्रिंटआउट है उस प्रिंटआउट का एक फोटो भेजना है और उसमें आपको लिख देना है ऊपर जो मेल होगा कि आपके पास जो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं है तो कृपया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाए, उनकी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि सबमिट पर क्लिक करने के बाद ही आपका जो यहां पर दिनांक होगा यानी कि किस तारीख को आपका एग्जाम होगा और कहां पर आपका एग्जाम होगा वो फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो यहां पर ओपन किया जाए। अब अगर आपका प्रोफाइल ओपन हो रहा है तो ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो आपको एक जगह पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपके एग्जाम स्टेटस वगैरह देखने को मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको या तो आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा है तो आप एडमिट कार्ड को आसानी से क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके एग्जाम का पूरा स्टेटस दिखा देगा कि आपका एग्जाम किस तारीख को होगा और किस जगह पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर अपने जो एग्जाम स्टेटस है उसे भी आसानी से चेक कर पाएंगे। इसके बाद अगर बात करें उन कैंडिडेट के लिए जिनको यह नहीं पता है कि आखिरकार यूपी पुलिस ऐसा एग्जाम कैसे देना है या फिर उनको कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता है, तो यहां पर बहुत सिंपल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिखा के कि किस प्रकार आपको वहां पर ऑनलाइन एग्जाम को देना होता है। देखिए, इसके लिए यहां पर आपको बता दें कि जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से खुद यहां पर एक ऑनलाइन प्रैक्टिस अभ्यास हेतु लिंक प्रोवाइड कराया गया है। तो सिंपली जो यहां पर लिखा है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रैक्टिस अभ्यास हेतु लिंक, आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बस अब यहां से सारा आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और वहां पर आपके सामने कंप्यूटर रखा होगा तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ऐसा सारा जो स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले यहां पर आपको बता दें कि आपको एग्जाम का नाम लिखा मिलेगा, इसके बाद यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश चूज करने के लिए मिलेगा। यानी कि जो यहां पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह नीचे दिए जा रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आते हैं तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और देखिए, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी पर क्लिक करने के लिए। अगर आप हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा फॉर्मेट यहां पर होगा वो पूरा हिंदी में यहां पर बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसे इंग्लिश में रहने देता हूं। यहां पर आपके एग्जाम के बारे में सारी जानकारी दी गई होगी कि आपके एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं। यह केवल एक फॉर्मेट है, यह
रियल क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर कि 25-25 आएगा, ठीक है, ये एक केवल फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसके बाद कितने मिनट का आपका एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पर पीछे कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। कई तरीके की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आपको ध्यान से यहाँ पर इसमें पढ़ लेना है। क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो हिंदी में यहाँ पर एग्जाम कर दे सकते हो, पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, या फिर इंग्लिश में भी पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद सारा जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जरूरी चीजें दी गई हैं कि माउस वगैरह आपको पकड़ना है क्लिक करने के लिए कैसे है, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो माउस का जो राइट साइड होता है उसको आपने क्लिक करना होगा। ऐसे कई सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से जब आप पढ़ लेंगे इसे, उसके बाद आपको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा कि आपने सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। आपको सिंपली जो यह ऑप्शन दिया जा रहा है बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर एक चेक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहां पर जो सबमिट आपको लिखा हुआ मिल रहा है, आपको इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पेपर के बारे में और जानकारी दी जाएगी कि आपके कितने यहाँ पर भाग रखे गए हैं इस पेपर के, ठीक है, उनमें से कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं और कितने मिनट तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ध्यानपूर्वक इसे आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे देखिए वहां पर आपसे कहा जाएगा कि चलिए टेस्ट को आप स्टार्ट कीजिए, अपना पासवर्ड वगैरह करके सब कुछ, ठीक है। तो जैसे आप टेस्ट यहाँ लिखा मिलेगा आपको स्टार्ट द टेस्ट, ठीक है, तो आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आप टेस्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है, स्टार्ट द टेस्ट के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको यहां पर एक टाइमिंग लेफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपका टाइमिंग जो है रिवर्स में चलेगा। अगर 2 घंटे का एग्जाम होगा तो यहां पर आपका 1 घंटे ऐसे करके कुछ आपका सारा जो रिवर्स टाइमिंग है वो चलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद ऊपर आपको जानकारी मिलेगी कि आपका रोल नंबर कितना है, आपका यहां पर नाम देखने को मिल जाएगा, एग्जाम कौन सा है, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, बैच नंबर कौन सा है, सारा आपको यहां पर ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहां पर कैंडिडेट की फोटो देखने को मिलेगी। इसके बाद जो कैंडिडेट यहां पर एग्जाम देने के लिए जब आप जाओगे तो वहां पर जो आपका बायोमेट्रिक में जो आपका फोटो खींचा जाएगा तो वो फोटो आपका यहां पर लेटेस्ट का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको बाकी किसी भी चीज पर क्लिक नहीं करना है। देखिए बीच का जो यहां पर हमारा पार्ट होगा ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस में जैसे आप अंदर आकर इसमें ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर किसी क्वेश्चन को आपने बुकमार्क करना है, कहीं सेव करके रख लेना है ताकि बाद में इसको आप आंसर दे सको, तो यहां पर आपको बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा बुकमार्क हो जाएगा, यानी कि जैसे बुकमार्क के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी बुकमार्क किए हुए क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो यहां से आपको इसे अनटिक में कर देता हूं। अब देखिए इसके अंदर आकर देखने को मिलेगा कि आपको जो क्वेश्चन है लिखा है, जैसे किसी देश की मुद्रा होती है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब उन 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है उसके सामने यहां पर देखिए आपको बॉक्स बना मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है कि उसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है जो यहां पर इसका सही आंसर आपको लगता है। अब जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब देखिए जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हमें क्या देखने को मिला कि यहां पर अगर हम इसके लेफ्ट साइड में आकर देखेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है, मैं जूम करके दिखाता हूं कि यहां पर देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, इसमें 20 क्वेश्चंस अभी दिए गए हैं, जबकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके बाद कितने क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है आपको यहां पर आंसर्ड में देखने को मिलेगा, तो अभी देखिए हमने केवल 1 क्वेश्चन का यहां पर टिक किया है, आंसर दिया है, तो 1 हमारा यहां पर टिक हो गया। कितने यहां पर आपने बुकमार्क करके रखे हैं आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, कितने का आंसर आपने नहीं दिया है वो आपको यहां मिलेंगे, कितनों का अभी आंसर्ड बिल्कुल दिया ही नहीं गया है यानी कि आपने उसे ओपन करके भी नहीं देखा है, वो सारे के सारे आपको यहां देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है इसमें, ठीक है, अब देखिए क्या है कि जैसे आप ये कर लेते हैं, अब देखिए यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डन जो लिखा है डन के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, तो यहां पर आपको डन नहीं करना है, आपको वापस से वहां पर मैं पहुंचा देता हूं, ठीक है, वापस से हम यहां जाते हैं, डन पर आपको क्लिक नहीं करना है। और वैसे भी आपका एग्जाम मेरे हिसाब से डन नहीं हो पाएगा जब तक आप पूरा टाइमिंग को खत्म नहीं करेंगे, तो आप यहां पर डन नहीं कर सकते हैं, तो यह ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मिल भी जाता है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। अब देखिए यहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, आपको मिलता है यहां पर नेक्स्ट का और यहां पर कुछ आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचना है तो आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए जैसे हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको वापस से पुराने क्वेश्चन पर पहुंचना है तो आपको सिंपली यहां पर जो प्रीवियस लिखा हुआ है प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप तभी क्लिक कर पाएंगे, ठीक है, जब आप यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना
है, आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है कि अगर आप यहां पर देखिए, पहला यहां पर फॉर्मेट दिया जा रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब देखिए यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं 1, 2, 3 नंबर में, तो अभी 1 में ग्रीन है। अब अगर आप आकर यहां पर सेकंड में ग्रीन कर देते हैं तो यहां पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपको जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल जाएंगे कि किस प्रकार के यहां पर कौन से क्वेश्चन पर डायरेक्ट, यहां पर आपको सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके नंबर लिखे मिलेंगे। तो आपको जिस भी क्वेश्चन पर यहां पर डायरेक्ट पहुंचना है उस पर क्लिक कर देना है, डायरेक्ट आपको उसी क्वेश्चन पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जिस क्वेश्चन पर आप यहां पर आंसर दे रहे होंगे क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन आपका ग्रीन हो जाएगा, जिसके पर आंसर आपने नहीं दिया होगा वो यहां पर आपका ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा ऐसा, या फिर वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहां पर दे सकते हैं अपने सभी क्वेश्चन का आंसर। क्लियर रिस्पॉन्स आपको कभी करना नहीं है। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब ये होगा दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन आ रहा है, अब इस क्वेश्चन पर मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने अगर मैं क्लिक कर लेता हूं यहां पर, जैसे इस पर मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद क्या क्या अगर हमें इसका रिस्पॉन्स क्लियर करना है, यानी कि हमें इसका आंसर गलत लग रहा है, तो हम सबसे पहले क्लियर रिस्पांस पर क्लिक करेंगे, जो इसका आंसर हमने टिक किया होगा वो यहां से हट जाएगा, दोबारा से हम इस पर आंसर कोई ना कोई टिक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने बांग्लादेश पर यहां पर क्लिक कर दिया, अब हमें बांग्लादेश नहीं लगता है कि इसका सही आंसर होगा, तो वापस से हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब तक आप इसे नेक्स्ट नहीं करेंगे कभी भी एग्जाम के टाइम तक आप किसी भी ऑप्शन को यहां से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहां से आपको जानकारी अच्छे से समझ में होगी किस प्रकार आपको अपना ऑनलाइन एग्जाम देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आपको कई सारे ऑप्शन और मिलेंगे कि आपका अभी देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको उसके अंदर सॉल्व नहीं करना है तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे, यानी कि जितने भी पार्ट होंगे सभी पार्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन को आपको यहां पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उनके पार्ट्स हैं, फिर जिस भी सेट के अंदर आप पहुंचना चाहते हैं वो आप यहां से आसानी से क्लिक वगैरह कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका टाइमिंग जो है वो रिवर्स में चलेगा, जैसे आपका टाइमिंग फिनिश हो जाएगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि एग्जाम को फिनिश करने के लिए, उस पर क्लिक करके आप एग्जाम को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि यहां से आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी कि किस प्रकार आपको अपना ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देना है वहां पर। तो उम्मीद है अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि सीएसटी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, पूरी भर्ती में हम आपका सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक नए वीडियो।